तो देख सकते दोस्तों, ये है हमारा रूम आगरा का, जो होटल मैंने लिया था, एक रूम लिया था। तो यहाँ पे जो है कॉस्ट एक पर्सन का पड़ा 1200 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के जो है रूम है, आप ले सकते हो। यहाँ पे यदि बात करें प्राइस की, तो 600 रुपये से ले कर दोस्तों ये 5000-6000 तक का जाता है। तो जैसा आपका बजट है, उस अनुसार से आप अपना होटल बुक कर सकते हो। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू नोमैड वीके व्लॉग्स। तो देख सकते दोस्तों, आज मैं आगरा आया हूँ उत्तर प्रदेश, और अभी मैं अपने गरम है ताजमहल देखने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। मेरे साथ मैम है, सर है, तो इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप देख सकते दोस्तों, हम ताजमहल जो है जो आगरा में है, जो दोस्तों 7वें अजूबे में से एक अजूबा ये भी है, काफी ज्यादा खूबसूरत है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं और इंजॉय करते हैं कि आगरा में जो ताजमहल है वो कैसा दिखता है। और मेरा फर्स्ट टाइम है दोस्तों, तो आप सभी भी मेरे साथ घूमिए और इंजॉय कीजिए। कैसा लगा? तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं भी खीरा खा रहा हूँ, काफी अच्छा है, मीठा है। आप लोग भी आके यहाँ पे खा सकते हो, क्योंकि अभी तो गर्मी का दिन है। देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा चलना पड़ रहा है, और अभी पता नहीं और कितना होगा। लगता है बस सब जो ताजमहल का जो दर्शन है अब वो हो ही जाएगा, क्योंकि काफी अंदर हम लोग आ चुके हैं। और जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं दोस्तों, भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और एक गाइड चलिए चलिए चलिए। और यहाँ पे हमारे बाकी जो ग्रुप के साथी हैं, यहाँ पे वेट कर रहे थे हम सभी का। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पानी की बोतल, कैमरा, गन, मतलब जो सब चीजें हैं वो सब नहीं लेके जा सकते हो। तो देख सकते दोस्तों, हमारे जो पीछे है ये फतेहपुरी मस्जिद है, और सामने भी देखिए एक बहुत अच्छा व्यू आ रहा है हमारे सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और बस यहां से टिकट लेने के बाद जो दोस्तों आपको मैं बता दूं, टिकट दो तरह के आते हैं। एक 50 का आता है और एक 250 रुपये का आता है। यदि आप 50 रुपये का लेते हो दोस्तों, आप बाहर से जो है देख सकते हो थोड़ा दूरी से। और यदि आप 250 का लेते हो टिकट, तो आप जो है ताजमहल का जो वो है उसके अंदर जाके आप नजदीक से ताजमहल को देख सकते हो। और ये हमारे पीछे रहा टिकट काउंटर, तो आप यहाँ से दोस्तों एक आधार कार्ड पे कम से कम 5 टिकट ले सकते हैं। तो यदि आप ताजमहल आगरा घूमने आते हैं, तो आपको कुछ इस सिक्कों की तरह का जो है टिकट लेना पड़ेगा। और इसी चीज को दोस्तों यहाँ पे आप फिर अंदर पे जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा, तो इसे ले लिया जाता है, और आपके पास एक पर्ची दिया जाता है, जो पर्ची देख सकते हैं मेरे पैकेट में है। तो इस तरह से जो है दोस्तों, आप आगरा का टिकट देखने में लगता है, आप देखें, और इस तरह से जो है आप लेके आप जो यूपी का जो ताजमहल है आप घूम सकते हो। तो देख सकते दोस्तों, इंसानों को लगता है पैसा, और गौ माता को फ्री में घूम सकते हैं ताजमहल। आगे भी तो है, देखिए गौ माता, बैल पापा। तो देख सकते हैं ये दोस्तों, इसका जो है मेन गेट है। और जो व्यू जो दिखाने का मैं जो कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, वो तो अब आने वाला है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही प्यारा। देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा पूरा टीम, और अभी जस्ट मेरे पास देखिए टिकट आ गया, और अब हम लोग एंट्री करेंगे ताजमहल के अंदर। देख सकते दोस्तों, टिकट लेने के बाद भी यहाँ पे आपको लाइन लगा के एक एक करके जो है जाना होगा, क्योंकि ताजमहल है दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, आप बिलीव नहीं करोगे। आप देख सकते हो इतना ही एरिया में कितने सारे लोग हैं, और यहाँ पे लाइन लग के सभी के पास टिकट है, बट यहाँ पे देखिए एक एक करके चेक होता है। देखिए सर हमको टिकट दिखा रहे हैं, और इस तरह से टिकट लेके आप यहाँ से अंदर जा सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, अभी हमारे पास टिकट है, और ये मेरी मैम दीपा मैम, और ये टिकट रहा, और अभी हम लोग एंट्री करेंगे। Thank you.
पूरे दुनिया में इसको आठवां अजूबा माना जाता है। काहे माना जाता है, आइए सब लोग एक साथ देखेंगे तो अपने पता चल जाएगा। आइए और सब लोग सीधा सही रहेगा, यहाँ सही, यहाँ से असल में दोस्तों यहाँ पर वीडियोग्राफी करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, और हम लोग सब साथ साथ हैं, विशाल जी भी हैं, और विश्व के आठवें अजूबे को अभी आप लोग देख रहे हैं। और इसको फील कर पाना, इसको महसूस कर पाना ये तभी संभव है जब आप आ कर करके इसको देखें। ठीक है, आप वीडियो में इसे देख रहे हैं और बहुत ही शानदार और सुंदर आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको अगर इसका फील अगर आपको लेना है तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। आके देखोगे तो बहुत ही अच्छे से आप इसे देख पाओगे, महसूस कर पाओगे और अच्छे से घूम भी पाओगे बिल्कुल, और ये भी समझ जाओगे दोस्तों कि इसे आठवां अजूबा क्यों कहा जाता है। जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ विशाल जी विश्व के आठवें अजूबे को पहली बार देख रहे हैं, तो आइए हम विशाल जी से ही फीडबैक पूछते हैं कि विशाल जी को कैसा लग रहा है। जी बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, और पहली बार ताजमहल को देखना, बचपन से किताबों में पढ़ते आए थे कि ताजमहल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था, हिस्ट्री का चीज है, लेकिन पहली बार जब हम इसे रियल में देख रहे दोस्तों बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, और बहुत ही खुश हूँ और खुद को लकी मानता हूँ कि मैं इस जगह को देख पा रहा हूँ। इस इमारत में खासियत है कि उस टाइम ये इतना ऊंचा बना कैसे होगा, कहीं कोई जोड़ झाड़ ऐसा कुछ भी नहीं। भूकंप इतना आया है इसमें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा, ये भूकंप रोधी बना हुआ है। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे मौजूद है। यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 ईस्वी में किया था। शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में इसका निर्माण किया। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर या 240 फीट है। तो दोस्तों ये इसका कुछ हिस्ट्री था, और भी बहुत डिटेल से लिखा हुआ होता है, गूगल पे चाहे आप यूट्यूब वीडियो पे सर्च करो तो आपको वहाँ पे इसका जो विस्तार से जो हिस्ट्री है वो सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं शॉर्टकट में आपको बता दिया हूँ कि क्या है, किसने बनवाया और किन चीज़ों से ये बना हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी आगे वीडियो आएगी वो आपको जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके और आप उसे देख सको। ठीक है, अरे और सट जाइए ये सब डाल देंगे यूट्यूब पे, देखिएगा ना। देख सकते दोस्तों अभी मैं हूँ आगरा का जो ताजमहल है, देख सकते मेरे जस्ट पीछे ही है, और काफी जो है ज्यादा सुंदर व्यू है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज्यादा चमकदार है। सोचिए इतने पुराने जमाने में इतिहास का जो ये चीज बनाया गया कितना खूबसूरत लग रहा, आप इस वीडियो से ही अंदाजा लगा सकते कितना ज्यादा जो है ये खूबसूरत है, देख सकते आप सभी।
सब इधर देखते हैं, हाय हाय करते जाइए हाथ से। गुड डायमंड, हाय हाय रे, हाय डायमंड, हाय हेलो, हाय किम छ मजा मां। तो बाकी लोग उधर छूट गया ना, बुलाए नहीं, कहीं नहीं होंगे वहां पे बैठे हुए। तो देख सकते हो दोस्तों, हम लोग ताजमहल घूम चुके हैं और अभी हम मैम सर सब कोई मिल के ग्रुप फोटो लेंगे। और देख सकते हैं हमारे सबसे मेन लीडर छवि सर सबसे आगे हैं। हाय कीजिए सर, सबसे हमारे सीनियर लीडर सर। तो देख सकते दोस्तों, अभी तो हम लोग सामने से जो है ताजमहल का व्यू देखे ही हैं। अब ताजमहल के चारों ओर उसके अराउंड दोस्तों घूम रहे हैं और देखते हैं कैसा व्यू है, कैसा इसके चारों तरफ घूमने से लगता है और हर एक एंगल से दोस्तों इसका अलग ही जो है व्यू देखने को मिलेगा। और जब आप इधर आओगे, इसके जब आप चक्कर लगाओगे, देखिए इधर आपको यमुना नदी भी मिल जाएगा और जस्ट इसके पीछे साइड आपको ताजमहल भी मिल जाएगा। की धार से अनब कौलियों की बहुत छार से बंदा डरता है, तो सिर्फ मुमताज के मार से जानी हम राजकुमार हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ताजमहल के पीछे साइड आने के बाद कुछ ऐसा व्यू मिलता है। आप जिस भी डायरेक्शन में जाओ, चाहे आप आगे जाओ, पीछे जाओ, दायां जाओ, बायां जाओ, लेफ्ट साइड, मतलब जितने चार डायरेक्शन आप चारों डायरेक्शन में जाओगे दोस्तों, आपको हर बार अलग अलग व्यू मिलेगा। वो चीज आपको पता चलेगा इससे। देखिए इधर रेड फोर्ट वगैरह कुछ करके है और उसके बाद देखिए इधर हमारे पीछे ताजमहल और इस साइड देखिएगा दोस्तों, इस साइड यमुना रिवर है। तो चारों डायरेक्शन में दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा और मजेदार व्यूज देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, चीजों को फील कर सकते हो और जो भारत का जो इतिहास है, जो ये महान इतिहास है, आप इसके बारे में जान सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो और अपने आप में एक खुशनुमा महसूस कर सकते हो कि हाँ, हम ऐसे जगह पे आए हैं जो विश्व में सातवें या आठवें अजूबे में से एक है और काफी ज्यादा खूबसूरत है, मनमोहक है। यस मैम, पानी प्यास लग गया मैम, क्या पता। अच्छा कोई नहीं, वहीं पे हम लोग वैसे पिएंगे, नहीं तो हम लोग वैसे ही पिएंगे जैसे पहले थे। तो देख सकते दोस्तों, आप लोगों ने पूरा जो ताजमहल का जो व्यू है अलग अलग एंगल से मैंने आपको दिखाया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, पैर बहुत दुख रहे हैं, माउथ भी दुख रहा है बोलते बोलते, चलते चलते पैर दुख रहे, प्यास भी लगी, लेकिन सच्ची बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और दोस्तों आपको घर बैठे मैंने ताजमहल दिखाया, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एकदम फैला दीजिए ऑल इंडिया में। और ये रहे हमारे एक सर और यहाँ पे जितने भी हैं, देखिए एक ये विकास सर हैं और बाकी सब गायब हो गए हैं दोस्तों। नहीं नहीं हम भी हैं। हाँ, ए एक सर ये भी है विकास सर। देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम जस्ट ताजमहल के सामने बैठे हैं और ताजमहल का जो व्यू है उसको एंजॉय कर रहे हैं। देखिए आप सभी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा दोस्तों। तो आपसे हम मिलेंगे एक अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में।